हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। एंड कुछ दिनों पहले मैंने आपसे एक बात बोली थी कि बैंक को छोड़कर अदर बहुत सी वैकेंसीज आती हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, या फिर उनमें अगर हम फोकस करें थोड़ा सा तो शायद इंग्लिश ना आने के बावजूद या फिर मैथ्स में उतना अच्छा ना होने के बावजूद हम जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। हम लोग की देखिए, बैंकिंग की जॉब मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, ठीक है, आज की फील्ड की हम मतलब बात करें कि आज का जो माहौल है बैंकिंग इंडस्ट्री में वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। किसका प्रेशर है? मैनेजमेंट का प्रेशर है। मैनेजमेंट में किसका प्रेशर है? गवर्नमेंट का प्रेशर है। ठीक है, क्या करते हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप करते हैं, ऊपर ही ऊपर कमीशन खा लेते हैं एंड नीचे के एम्प्लॉय से कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रेशर उन पर होता है कि आपको डेली इतने इंश्योरेंस करने हैं, डेली इतने एपी अटल पेंशन योजना। गवर्नमेंट का प्रेशर होता है अपनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपनी प्रचार को करने के लिए बैंक से सहारा ले रही है। जनधन खाते खोल रहे हैं, गवर्नमेंट को खोलना है। प्रेशर किस पे है? बैंक वालों पे है। अब बैंक वालों का प्रेशर कैसे है? खाते खोलने हैं, बैंक को कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली आप 400 खाते खोलो। ठीक है, जीरो बैलेंस नहीं है तो उसमें पैसे डलवाओ, घर जाके पैसे लाओ। कोई पैसे नहीं डाल रहा है अकाउंट में, इसमें हम क्या कर सकते हैं? फिर से बोलेंगे आप घर जाओ लेकर आओ, लेने आने जाने का खर्चा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टीए बिल्स मिलते नहीं है। दिक्कतें बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत सी हैं। इंश्योरेंस के टारगेट पूरे होते नहीं है, होगा कुछ नहीं, आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो ये बात भी सही है, लेकिन थोड़ा सा हरेसमेंट है। एंड सैलरी अगर कंपेयर की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज से तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अदर जॉब्स पे अब फोकस किया जाए, तो गोल्डन करियर अब उन पर भी फोकस करेगा बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ। तो अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो अब आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। एंड इसी के संदर्भ में बात करने आया हूँ मैं। 2000 वैकेंसीज के आसपास हैं। किसके लिए? ग्रेजुएट्स के लिए एंड 12th पास के लिए। आप देखेंगे कि 12th पास अगर आप हैं तो वो जॉब पा सकते हैं एंड आपकी जो सैलरी होगी वो बैंक के क्लरिकल स्टाफ या जो क्लरिकल कैडर की पोस्ट है उससे अच्छी होगी एंड वर्क प्रेशर भी उससे कम होगा। तो ये 2000 वैकेंसीज हैं, इसकी डिटेल तो आपको मिल जाएगी, लेकिन ये वैकेंसीज फिलहाल है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो जो लोग उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के आसपास नेबरिंग स्टेट्स में हैं, ठीक है, वो लोग इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सी वैकेंसीज हैं लेकिन सिर्फ 2 हैं जो मुझे ठीक लग रही हैं, तो मैं सिर्फ उनके बारे में बात करूंगा। जो कैटेगरी सी कैडर की पोस्ट है, एक है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एंड एक है जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर के लिए तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन साथ में आपको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी चाहिए। तो ये डिप्लोमा आप चाहें तो कर भी सकते हैं, इजिली हो जाता है। ठीक है, एंड एक एग्जाम सब लोग पास कर लो, ट्रिपल सी का, बहुत ही ईजी होता है। थोड़ा भी पढ़ लोगे 5-10 दिन में तो एग्जाम निकल जाएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें है 412 पोस्ट, लेकिन मेन जो ज़्यादा पोस्ट है 1484, वो है आपकी जूनियर असिस्टेंट में या पेड अप्रेंटिस में। इसमें देखिए क्या चाहिए, सिर्फ इंटरमीडिएट चाहिए विद ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपको बहुत इजीली मिल जाएगा एंड 25 से 30 वर्ड की जो आपकी टाइपिंग है वो तो आपको मेरे ख्याल से थोड़ी भी प्रैक्टिस करोगे, आजकल तो सब लोग फोन चलाते हैं तो आइडिया है ये कीबोर्ड पे कहाँ क्या होता है, 10 दिन की प्रैक्टिस में, 15 दिन की प्रैक्टिस में आपको ये 25 से 30 वर्ड की टाइपिंग आ जाएगी। ये बहुत ज़्यादा महीने भर की प्रैक्टिस में, जिसका आपके पास इनफ टाइम है इंग्लिश स्लैश हिंदी में। ठीक है, तो बहुत इजी है आजकल टाइपिंग प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको, बस आप घर पे प्रैक्टिस करिए। 15 से 20 दिन से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा या मैक्सिमम 1 मंथ लगेगा। ठीक है, जो एज लिमिट है वो 18 से 40 साल की है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है एंड इसमें जो पे स्केल है वो 5200 से 20200, ग्रेड पे 2000 का है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो नियर अबाउट वही आपकी 24000 या 25000 के आसपास सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी इतनी होगी, जिसमें बहुत से लेवल है, मतलब आपको हर साल बढ़ते 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 आपकी जो बेसिक पे है वो मतलब आपकी जो सैलरी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कितना पहुँच सकती है आपकी सैलरी। ठीक है, तो फिलहाल आप स्टार्टिंग सैलरी जानिए 24000 से 25000, गलत जानकारी देना ठीक नहीं है इसलिए मैं भी अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी होगी। वहीं अगर बैंक क्लर्क की सैलरी की हम बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो कितनी होती है, 21000-22000 रुपये। ठीक है, 25000 से प्लस सैलरी ही होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन आप 24-25 मिनिमम इन हैंड सैलरी आपको मिल जाएगी।
और बैंक में काम का प्रेशर कितना ज्यादा होता है। तो अगर आप लोग क्लर्कल कैडर में जो लोग अप्लाई कर ही रहे हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो इसकी जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ है वो हमने वेबसाइट पर अवेलेबल करा दी है। आप वेबसाइट पर जाइए www.goldenkarier.co.in, क्लिक करिए स्टडी मटेरियल पर। अभी इम्प्लॉयमेंट का एक अलग सेक्शन हम क्रिएट करवा रहे हैं वेबसाइट पर, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन स्टडी मटेरियल पर क्लिक करिए एंड इलाहाबाद हाईकोर्ट रिक्रूटमेंट नाम से ये एक फाइल है, इस फाइल को डाउनलोड करिए। इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है एंड कब लास्ट डेट है। लास्ट डेट आई थिंक December 6 है, ठीक है। तो बाकी लेकिन डिटेल आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। एंड यहां पर जब डाउनलोड करने आइएगा, जो एड डिस्प्ले हो रहे हैं ढेर सारे, इनमें से प्लीज किसी एक या दो एड पे आप क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर आप एक दो एड पे क्लिक कर देंगे तो थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट होगा जो वेबसाइट चलाने के काम आता है। एंड कोई भी पैसा आपसे किसी भी चीज का हम कभी नहीं लेंगे, इस बात की हमारी गारंटी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड बाकी अब आप लोग बताइए ये कमेंट करके, क्या अदर जॉब्स को जो है वो कवर किया जाए कि ना किया जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट रिक्रूटमेंट हो गई, दिल्ली हाई कोर्ट हो गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट की हो गई, अदर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गई एंड कुछ SSC के रिक्रूटमेंट्स हो गई, कुछ रेलवेज के रिक्रूटमेंट हो गई, कुछ और भी जैसे इंडियन ऑयल में निकलती है, भारत पेट्रोलियम में निकलती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब जो है उनको हम कवर करें या ना करें। तो आप अपने सजेशन दीजिएगा एंड वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को वेबसाइट को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए एंड वेबसाइट पर विजिट करिए, रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करिए, स्टडी मटेरियल डाउनलोड करिए एंड जब भी डाउनलोड करने जाइए एक या दो मिनट पर जरूर क्लिक करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।